कंप्यूटर में विंडोज इंस्टॉल करना या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, क्या ये बहुत ही मुश्किल है? जी नहीं दोस्तों, ये बहुत ही आसान है। बने रहिए हमारे साथ और सीख लीजिए अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडोज इंस्टॉल करना। लेट्स स्टार्ट विद ट्रेनर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंटरनेट ट्रेनर में। मैं हूं प्रशांत त्रिपाठी, आपका ट्रेनर। आज हम सीखेंगे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडोज़ कैसे इंस्टॉल करते हैं। कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडोज़ इंस्टॉल करने के दो मेथड्स हैं। पहला मेथड्स है विंडो सीडी से, जिसमें आपको विंडो सीडी चाहिए होती है, उसे आप अपनी सीडी या डीवीडी ड्राइव में इंसर्ट करके विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा मेथड है हमारे पास विंडो पेन ड्राइव से इंस्टॉल करना, जिसके लिए आपको अपनी पेन ड्राइव बूटेबल बनानी होगी। बूटेबल मींस जिससे आप विंडो इंस्टॉल कर सकें। तो चलिए हम पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना सीखते हैं। पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहली, विंडोज़, जो भी विंडो आपको इंस्टॉल करनी है उसकी ISO फाइल। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पर विंडो 7 इंस्टॉल करेंगे तो हमारे पास विंडो 7 की ISO फाइल है। दूसरा, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर, यहाँ पर अभी हमारे पास है यूनिवर्सल USB इंस्टॉलर, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जिससे हम अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाते हैं। तो चलिए अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाते हैं। सबसे पहले हम इस सॉफ्टवेयर को खोलेंगे। और इसको आई एग्री करेंगे और इसको क्रिएट करेंगे। वापस से एक ये पेज आ जाएगा जिसमें लिखा है सेटक्स सेलेक्ट ए ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए सिलेक्ट करेंगे, जो भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर विंडो 7 देखेंगे और यहाँ पर हमने देखा विंडो 7 इंस्टॉलर, इस पर हमने क्लिक की। अब हमें चाहिए होती है .iso फाइल, जो हमने अभी डेस्कटॉप पर डाल रखी है वही वाली। तो हम इसे ब्राउज करेंगे और वहीं पर ले जाएंगे। तो ब्राउज करने के बाद हम इसको ले जाएंगे, हमारे पास वो एफ ड्राइव में इंस्टॉल है और हम उसे सर्च करेंगे। ये रही हमारी विंडो 7 और इसको हम सिलेक्ट ओपन कर देंगे। जैसे ये ओपन करेंगे यहाँ पे वो पाथ लिख के आ जाएगा। उसके बाद हमें अपनी पेन ड्राइव को सिलेक्ट करना होता है। हम अपनी पेन ड्राइव जो यहाँ पे दिखा रही है, पेन ड्राइव 7 GB को सिलेक्ट करेंगे और हमें इस पे फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपकी पेन ड्राइव में कुछ है तो वो फॉर्मेट हो जाएगा और वो बूटेबल बनाने के लिए रेडी हो जाएगी। इसके बाद हम ये क्रिएट करेंगे और यहाँ पर ये लिख कर आएगा कि आपको यस दबाना है, और जब ये पेन ड्राइव बूट होगी तब आपको पेन ड्राइव निकालना नहीं है, ना ही अपने सिस्टम को बंद करना है। तो हम यहाँ पर यस कर देंगे और पेन ड्राइव बूट होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर इंस्टॉलेशन डन हो चुकी है, प्रोसेस इज कंप्लीट लिखा है। इसका मतलब है हमारी पेन ड्राइव जो है वो बूट हो चुकी है सक्सेसफुली। अब हम अपनी पेन ड्राइव को USB पोर्ट पे लगाएंगे और अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे। सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है, उसके बाद हम बूट की प्रेस करेंगे और अपनी पेन ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद विंडो लोड करेगा फाइल अपनी, हमें वेट करना होगा। इसके बाद हमें अपनी लैंग्वेज को इंग्लिश सिलेक्ट करना होगा, टाइम करेंसी को भी इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम सिलेक्ट कर नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, इंस्टॉल नाउ एंड रिपेयर योर कंप्यूटर। तो हम नई विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं तो इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सेटअप स्टार्ट हो रहा है। हम विंडोज के लाइसेंस टर्म जो लिखे हुए हैं इनको एग्री करेंगे, आप पढ़ भी सकते हैं, और नेक्स्ट करेंगे। ये सब लिखे हुए हैं और अब हम नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद हमारे पास, अगर आपको पुराने वर्जन में अपग्रेड करना है तो आप अपग्रेड कर सकते हैं, अगर फॉर्मेट के लिए कस्टम करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो ड्राइव शो हो रही है जिसमें हम इंस्टॉल करना है, उसे हम फॉर्मेट करने के लिए ड्राइव ऑप्शन पर जाएंगे और उसे हम फॉर्मेट करने के लिए सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ड्राइव ऑप्शन पर जाएंगे,
और फॉर्मेट पे क्लिक करके हम इसे ओके कर देंगे। ड्राइव फॉर्मेट हो रही है, यहाँ पे आप देख सकेंगे जो फ्री स्पेस है वो बढ़ जाएगा। जी हाँ, फ्री स्पेस बढ़ गया है। अब हम आगे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और विंडो इंस्टॉल होने लगेगी। ये चारों पांचों चीज कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगी। अब विंडो रिस्टार्ट हुई है अपने आप। जब सारी चीज कंप्लीट हो जाएगी, आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा। यहाँ पे प्रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप लिखकर आएगा और आपकी विंडोज इंस्टॉल सक्सेसफुली हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ इंडिया को डिजिटल बनाने में। स्टे कनेक्टेड, स्टे अवेयर। जय हिंद, जय भारत।